काशी भगवान शिव की नगरी, जहाँ साक्षात शिव बसते हैं। कहते हैं कि यहाँ कण कण में शंकर का वास है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ है। इसके दर्शन मात्र से ही लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी एक ऐसा पावन स्थान जहाँ काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग विराजमान है। माना जाता है कि वाराणसी सबसे प्राचीन नगरी है। काशी विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मणिकर्णिका भी यहीं स्थित है। और इन्हीं वजहों से काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब प्रकाश की पहली किरण काशी की धरती पर पड़ी थी। तभी से काशी ज्ञान तथा अध्यात्म का केंद्र माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि काशी नगरी देवादिदेव महादेव की त्रिशूल पर बसी है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में जिसे मोक्ष की नगरी कहा गया है, जो अनंत काल से बाबा विश्वनाथ के भक्तों के जयकारों से गूंजती आई है। और यहाँ एक ही शब्द वातावरण में गूंजता है और वो है हर हर भोले, घर घर भोले। कहते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह मंदिर पिछले कई हजार वर्षों से वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। बता दें कि काशी पवित्र गंगा घाटी के किनारे बसी है और ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसी पवित्र स्थान की यात्रा के लिए पंजाब केसरी और अधिकार मंच द्वारा एक पवित्र और पावन यात्रा का आयोजन किया गया। बता दें कि इस यात्रा में तकरीबन 101 लोगों ने हिस्सा लिया। यात्रा का उद्देश्य भगवान भोलेनाथ के दर्शन, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की नगरी को देखना था। और इस पवित्र यात्रा के शुभारंभ पर बीजेपी संगठन के महामंत्री सिद्धार्थ, दिल्ली बीजेपी प्रभारी श्याम जाजू, वो दिल्ली भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी के साथ अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में मनोज तिवारी ने लोगों को संबोधन करते हुए कहा कि वहां पर कणकण में शंकर हैं और काशी में सबसे हाईटेक पानी का जहाज है जो आपको सारे घाटों के दर्शन करवाता है। साथ ही उन्होंने अपने सुरमई गायन से कार्यक्रम को भक्तिमय बना दिया। आप जब आदरणीय श्याम जाजू जी को सुन रहे थे तो उसमें आपको एक छोटा सा हमारे तरफ से एक छोटा सा टास्क हम सब ने दिया कि वहाँ की चीजों को जरूर बताइएगा। आदरणीय सिद्धार्थन जी मूलतः केरल से हैं और उन्होंने आपको जो सदिक्षा दी है वहाँ जाने के लिए, वो आपको वहाँ जाते जाते बहुत अच्छी तरह से महसूस होगा। और मैं आपको अभी से याद दिला दूँ, जब आप जाइएगा बनारस में तो वहाँ लोग आपका स्वागत करते हुए कहेंगे ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मेरी माँ भी है वहाँ, हो सकता है शाम को वो भी आपके साथ आए। तो मेरी माँ ने पहली बार मुझे उंगली पकड़ा के गंगा जी नहवाया था काशी को। तो मैंने एक गीत गाया है कि मेरी एक बूढ़ी माँ है, उसका उससे नाता है। मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता है। मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता है। धोएगी कब तक गंगा तेरे मेरे पाप को, बच्चों को बताना होगा अपने अपने बाप को। ऋषि मुनि जोगी जिसकी आरती उतारते, कोटि कोटि लोग माता कह के पुकारते। यात्रा से पहले सांसद मनोज तिवारी ने सबका स्वागत फूलमाला पहनाकर किया और सभी यात्रियों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई। स्वागत के बाद मनोज तिवारी ने हमसे खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि ये यात्रा सबके लिए यादगार रहेगी और इसके लिए मैं पंजाब केसरी और अधिकार मंच का धन्यवाद करता हूँ। पंजाब केसरी और अधिकार मंच के माध्यम से एक टूर लेके जा रहे बनारस, जिसका आपने अभी उद्घाटन भी किया, क्या उद्देश्य है थोड़ा आप बताएंगे। मैं बहुत ही बधाई देना चाहता हूँ पंजाब केसरी, अधिकार मंच और आप सभी को, जिन्होंने ये एक काशी की तीर्थ यात्रा दिल्ली के लोगों को कराई है। और ये चीज़ कुछ लोगों को देखने में भले सामान्य लगे, बट ये बहुत बड़ी बात है। और काशी सांस्कृतिक राजधानी है देश की, भी पूरे विश्व की मानी जाती है। तो ऐसे में ये यात्रा उन सब के लिए यादगार रहेगी। और आपका ये जो इनिशिएटिव है ये लोगों को बहुत सुख देगा। जीवन में किसी को आप ऐसा सुख दे दें, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं पंजाब केसरी, अधिकार मंच और आपके सभी लोगों को जिसमें सम्मिलित हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। पंजाब केसरी ने भी मोदी जी की मुहिम से जुड़कर स्वच्छ भारत के लिए भी शुरुआत की है, तो उसके लिए आप कहना चाहिए। देखिए, आपने ये इनिशिएटिव लेकर के स्वच्छता अभियान को अपना करके आपने न सिर्फ मोदी जी की बात को मान रखा है, बल्कि हमारा देश कैसे मूलतः स्वच्छ होगा, इसका अभियान शुरू किया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। मनोज तिवारी के सुरमई गाने के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू हुई रोमांचकारी और अद्भुत यात्रा, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। यात्रा से पहले सभी यात्री बेहद रोमांचित नजर आए और सबके मन में बस एक ही बात थी, वो थी विश्वेश्वर की नगरी को देखने की। सबके मन में एक ही कौतूहल था कि जल्द से जल्द देवनगरी पहुंचे और विश्व की प्राचीनतम नगरी के दर्शन कर सके, जहाँ हर जगह भोले का वास है। और जाहिर है कि ये कौतूहल, ये उत्तेजना होनी भी चाहिए, आखिर काशी नगरी है ही ऐसी। तो आइए आपको भी ले चलते हैं एक दिव्य यात्रा पर। शंकर भगवान की जय, मां गंगा मैया की जय। और आखिरकार भोले के जयकारे के साथ हमारी यात्रा शुरू हुई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। यात्रा के दौरान ट्रेन में सभी यात्री भक्तिमय रंग में नजर आए। सभी यात्रियों का स्वागत टीकाकरण करके किया गया, चाहे बच्चे हों या बूढ़े, सभी भक्तिमय रंग में नजर आए। आखिर सवारी भी तो भोले की थी। तो बिना जयकारे और भजन के बिना तो अधूरी रह जाती। जयकारों के साथ भक्त भक्ति में नाचते हुए नजर आए। आखिर भोलेनाथ के दर्शन का जलवा ही कुछ ऐसा है। भक्तिमय यात्रा में गांधीनगर विधानसभा के विधायक और निगम पार्षद ने कहा कि ये बेहद प्रशंसनीय कार्य है जो अधिकार मंच और पंजाब केसरी द्वारा किया गया है। वहीं इस अवसर पर निगम पार्षद ने भी अधिकार मंच को धन्यवाद देते हुए कहा कि अधिकार मंच द्वारा मुफ्त यात्रा के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। इस दौरान अन्य लोगों ने भी अपने अनुभव को हमारे साथ साझा किया। तो ट्रेन धीरे धीरे चल रही है और ट्रेन में जो है भजन कीर्तन और तमाम तरह के जो है भक्तों की खुशी का मौका है। तो हमारे साथ नीलम महना जी हैं जो कि आनंद विहार से हैं, वो भी इस यात्रा में जा रही है। तो उनसे पूछेंगे कि उनका क्या अनुभव है। मोदी जी का ये बहुत अच्छा मिशन है जो उन्होंने ये किया है, सीनियर सिटीजन को उपलब्ध करवाया ये सेवा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें सावन के महीने में बाबा के दर्शन करने को मिल रहे हैं। मेरा बनारस दूसरी बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भोले की नगरी है, हर तरफ भोले ही भोले दिखाई देते हैं वहाँ। और आज 101 यात्री इसमें जा रहे हैं। बातचीत और भजनों के साथ हमारी ट्रेन यात्रा समाप्त हुई और हम पहुंचे मंडुआडी। बता दें कि मंडुआडी से काशी की दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर की है। और अब काशी के इतने पास थे तो जाहिर है कि सब भोले के रंग में नजर आए। भोले के जयकारे के साथ शुरू हुई हमारी काशी यात्रा। शिव के दर्शनाभिलाषी यात्रियों में जोश की कोई कमी नहीं थी, बल्कि इस यात्रा में तो वो और भी उत्साहित नजर आए। काशी विश्वनाथ की जय, गंगा मैया की जय। इतनी लंबी और थकान भरी यात्रा के बाद भूख लगना स्वाभाविक ही था, इसलिए सर्वप्रथम खान पान की व्यवस्था की गई। गर्मा गर्म रोटियां और स्वादिष्ट सब्जियां, और ऊपर से भूख लगी हो तो खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। खाना खाने के बाद बिना कोई देर किए हमारा काफिला निकल पड़ा काशी की गलियों में। कहते हैं कि काशी की गलियों में वो तिलिस्म है कि यहाँ आने वाला हर कोई शिव के रंग में रंग जाता है और जुबान से निकलता है तो बस एक ही लक्ष्य, जय भोलेनाथ की। आखिर शिव नगरी में है ही वो बात। कहा जाता है कि काशी नगरी देवादिदेव महादेव की त्रिशूल पर बसी है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में जिसे मोक्ष की नगरी कहा गया, जो अनंत काल से बाबा विश्वनाथ के भक्तों के जयकारों से गूंजती आई। शिव भक्तों की वो मंजिल है जो सदियों से यहाँ मोक्ष की तलाश में आते रहे हैं। ओम नमः शिवाय। तो जिस तरह नई दिल्ली से अधिकार मंच का एक दल आया और बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, काशी विश्वनाथ के दर्शन में मोदी जी के आने के बाद क्या क्या बदलाव हुआ है, ये दिल्ली के विधायक आए हैं हमारे साथ, ये बताएंगे कि क्या आपको कैसा लगा। देखिए, मैं 10 साल पहले काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए आया था और जिस समय यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव लड़ रहे थे, और आज मैं उसके बाद आया हूँ आज, और आज जिस तरीके से मैंने देखा है कि सड़कें, पहले सड़कों की हालत बदहाल थी, आज सड़कें बहुत अच्छी बन रही हैं। सड़कों के रोड के ऊपर डिवाइडर लगा दिए गए हैं, सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है, घाटों की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और मैंने ऑटो वालों से या बहुत से लोगों ने पूछा है तो बोले ये बनारस की जनता का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी के आने से बनारस को काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। मुझे ये आपके पता था, मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको क्या लग रहा है? मंदिर में दर्शन करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। हम दिल्ली से चले, हमारी यात्रा यहाँ पे समाप्त हुई है और मंदिर बहुत अच्छा लगा। काशी विश्वनाथ का मंदिर जहाँ पे मोदी जी भी जब इलेक्शन लड़ते पहले यहाँ पे आशीर्वाद लेने आते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था थी और बहुत सफाई थी। और मंदिर में दर्शन, काशीनाथ के दर्शन करने के बाद हम बहुत खुश हैं। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह से काशी बदला, मोदी जी के आने के बाद और सुधार हुए और भगवान काशी विश्वनाथ भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करे। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध के साथ सत्येंद्र त्रिपाठी, काशी विश्वनाथ, वाराणसी। काशी एक ऐसा शहर जहां हर कोई भोले के रंग में नजर आता है और हर तरफ भक्तिमय माहौल होता है। इसके बाद हमने बाबा के दर्शन किए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ। मान्यता है कि अगर कोई भक्त बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाता है तो उसे जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। बाबा का आशीर्वाद अपने भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार खोल देता है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव गंगा के किनारे इस नगरी में निवास करते हैं। उनके त्रिशूल की नोक पर काशी बसी है। भगवान शिव काशी के पालक और संरक्षक है जो यहाँ के लोगों की रक्षा करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर एक सोने का छत्र लगा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इस छत्र के दर्शन से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के बारे में एक और बात कही जाती है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सूर्य की पहली किरण काशी पर ही पड़ी थी। काशी नगरी को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में उपस्थिति मात्र से ही भक्त को जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिल जाती है।